और बाय द वे आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली मुझे फ्लू है दो दिन से, आपको लग रहा होगा। जी बिल्कुल अंदाज़ा है मुझे। गेट वेल सून। थैंक यू। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, वैसे लड़कियाँ ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, फैशन डिज़ाइनिंग या बिजनेस फील्ड को चूज़ करती हैं, लेकिन आपने साइकोलॉजी ही क्यों चूज़ की? कहीं आपके मॉम और डैड की तो ख्वाहिश नहीं थी? नहीं, साइकोलॉजिस्ट बनना तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, और हाँ इस बात के लिए मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था। हाँ अलबत्ता मेरे दादा जाने माने प्रोफेसर थे। एक्चुअली मैं अपने दादा के साथ बहुत अटैच थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे वो। एक दिन अचानक उनको नफ्सियात का अटैक हुआ, बिल्कुल अकेले हो गए, समझ ही नहीं आया किसी को कि उनके साथ हो क्या रहा है। फिर एक दिन वो चल बसे। मैंने एक सच्चा दोस्त खोया। I'm so sorry for your loss. नहीं, that's perfectly fine. Actually, psychology पढ़ने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि नफ्सियाती दबाव इंसान के दिमाग पे तब आता है जब वो बिल्कुल तन्हा रह जाता है, या फिर वो किसी पेन का शिकार हो। और कभी ये बीमारी मुझे हो गई तो क्या आप मेरा इलाज कर पाएंगे? क्यों, आपको क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। वैसे साहिला, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। थैंक यू। आपकी हॉबीज भी मेरी हॉबीज जैसी हैं। अगर हम दोनों की शादी हो जाती है ना, हम बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। ये मेरा दिमाग कहता है, दिल नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्यों और किस लिए आया हूं। साले आप, I'm so sorry, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिल किसी और को चाहने लगा। तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करने आया हूँ, अंदर हमारे रिश्ते की बात चल रही है और मैं यहाँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पहली बार तो दिमाग की जगह दिल का पेशेंट आया है मेरे पास, तो आपका इलाज तो कोई दिल वाली ही कर सकती है। चले अब। हाँ, please appreciate आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया और